लेकिन वो उनकी राजनीतिक एंट्री हो चुकी है, एक सशक्त वो कैंडिडेट है, एक ऐसा चेहरा जो पार्टी को बहुत आगे ले जा सकता है। चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जिस कैंडिडेट में है उसे दिया जाएगा, ये नहीं सोचा जाएगा कि वो किस पार्टी से है। मान लीजिए कि कांग्रेस और जेएमएम में से कहीं किसी सीट पे कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है और कहीं जेएमएम मजबूत है, तो दोनों में ये बात होगी कि ये कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है तो इसे ही मिलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है और ये सब निर्णय तो सब लोग मिल बैठ के होगा। अभी जस्ट उन्होंने राजनीतिक एंट्री की है, गिरिडीह में हम लोगों का स्थापना दिवस समारोह था, वहाँ वो गई तो वहाँ गांडिया के लोगों ने उनका समर्थन किया, वो चाहते हैं कि वो वहाँ से लड़े, तो लड़े, जब समय आएगा जरूर लड़ेंगे, क्योंकि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, डिसाइड तो बाद में होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, अभी वो प्राथमिक स्तर पर है, लेकिन वो उनकी राजनीतिक एंट्री हो चुकी है, एक सशक्त वो कैंडिडेट है, एक ऐसा चेहरा जो पार्टी को बहुत आगे ले जा सकता है। ये राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या पार्टी हलचल में है या पार्टी कांग्रेस की ऐसी? देखिए, आपस में मिल बैठ कर ही तो सारा निर्णय होगा, कांग्रेस के साथ भी और राजद के साथ भी, जो भी गठबंधन में है, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग साथ बैठ कर ही इसका कोई हल निकालेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस अपना दावा ऊपर बैठ के ही तय होगा ना, मैं इसमें अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पार्टी में सर्वसम्मति से निर्णय होगा। तो गठबंधन की सरकार है तो सब लोग मिलके जिसके पाले में जो पड़ेगा वही दिया जाएगा। बहुत जल्द हो जाएगी क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगने ही वाला है, 10-11-12 तारीख के अंदर हो जाना चाहिए आचार संहिता, उसके पहले ही मुझे लगता है कि घोषणा हो जाएगी। देखिए, दिल्ली में जब महागठबंधन की मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम देश के तमाम बड़े लीडर्स थे, ममता दी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया गांधी, तमाम लोग थे, उस समय ये बात हुई कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी के कैंडिडेट सबसे मजबूत हैं और जो जिस सीट को जिताने की, मतलब एक भरोसा जिताने का दे सकते हैं, चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जिस कैंडिडेट में है उसे दिया जाएगा, ये नहीं सोचा जाएगा कि वो किस पार्टी से है। मान लीजिए कि कांग्रेस और जेएमएम में से कहीं किसी सीट पे कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है और कहीं जेएमएम मजबूत है, तो दोनों में ये बात होगी कि ये कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है तो इसे ही मिलना चाहिए, इस तरह से किया जाएगा। हाँ, वो तय होगा कि मान लीजिए किसी और क्षेत्र में उनका कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है तो उसमें किया जाएगा, ये लास्ट मोमेंट में तय होगा। थैंक यू। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर अविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा, बरकंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सरायथेला धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल, हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, कॉल 9153989339।